तो व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका भाई कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना सिखाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, इसका ट्यूटोरियल बहुत पहले अपने यूट्यूब चैनल पर ले करके आया था और बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल था, बट आप लोगों ने अभी तक जो है कि वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है। इसके वजह से जो है कि आप लोगों के बीच फिर से इस फोटो का ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ और बहुत ईजी है ऐसा फोटो बनाना। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। इस तरीके से जो कि इतने अच्छे आप फोटो बनाते हो, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए। चलिए इसका ओरिजिनल पिक आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो कुछ इस टाइप से इसका ओरिजिनल पिक, इसका हेयर वगैरह आप लोग देख सकते हो कितना ही बेकार लग रहा है, एंड फेस भी बहुत बेकार लग रहा है, एंड इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग कर दिया हूं एडिटिंग करके। तो एंड देन अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप से एडिटिंग सीखना है ना, तो मेरे अपने आदित्य भाई का वीडियो फुल एंड लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता है। पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो भी आपका फोटो होगा उस फोटो को शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ले करके चलना है। तो एडिट टू एलआर कर लेना है। जैसे एडिट टू एलआर करते हैं तो आपका फाइनली ओपन हो जाता है लाइटरूम। तो आप लोग को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को एक प्रीसेट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दिखाते हो प्रीसेट कौन सा है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा प्रीसेट, ठीक है। इसी प्रीसेट को हम यूज करके अपना फोटो टॉप लेवल का बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रीसेट चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड प्रीसेट का यूज कैसे करते हैं ना, प्रीसेट का कमाल मतलब अच्छे तरीके से यूज आप लोग जानेंगे, तभी जो कि आप लोग प्रीसेट का यूज कर पाएंगे, ठीक है। केवल आप प्रीसेट लेकर के जाएंगे और सोचेंगे कि फोटो एडिटिंग कर लेंगे, तो ये बात गलत है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके और कॉपी सेटिंग्स कर लेना है और राइट क्लिक करना है, बैक आना है, और जो भी आपका ओरिजिनल पिक होगा मेरे प्यारे मित्रों, जो भी आपका ओरिजिनल पिक होगा उसको ले करके और इस पर पेस्ट सेटिंग कर देना है। जैसे ही पेस्ट सेटिंग करेंगे आपका देखिए फोटो कितना अलग लगने लगा, ठीक है ना। अब जो है कि देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके फोटो में ब्लैकनेस आता है तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके और यहाँ से कलर मिक्स पर क्लिक करके ठीक है, सेकेंड नंबर का कलर ये फुल है, थोड़ा सा सैचुरेशन को माइनस करेंगे, रेड वाला लुमिनेंस को प्लस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से डन करेंगे और उसके बाद से लाइट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि जो ये ब्लैकनेस कम है, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, ठीक है ना, और वाइटनेस को हल्का सा कम कर देंगे, है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से ये आएंगे इसमें और तीन नंबर का जो ऑप्शन होता है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, हल्का सा कम करेंगे। तो देखिए आपके फेस पे चमक वगैरह आ गया और आपके गला पे सब कुछ पे चमक आ गया। अब देखिए इतना काम होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सेव करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो चलिए एक्सपोर्ट कर लेते हैं गैलरी में। देखिए प्रीसेट का यूज करने के बाद अपना फोटो जो है कि गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो है कि बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेयर पे क्लिक करके यहाँ से फोटो रूम एप्लीकेशन में लेकर चलेंगे। और जैसे ही फोटो रूम एप्लीकेशन में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस लेता है, एंड प्रोसेस लेने के बाद आपका बैकग्राउंड एंड आपका मॉडल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही ईजी करके आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, नेट स्लो है। तो देखिए यहां से आप सभी को एक ब्लर वाला ऑप्शन दिखेगा ये, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए आपका जो भी मतलब बैकग्राउंड होगा एंड मॉडल होगा सब कुछ दिखाई देगा, एंड बैकग्राउंड ब्लर दिखाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा आप लोग को वर्क नहीं करना है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रिप्लेस पे क्लिकीजिएगा, और यहाँ से रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो जो भी आप लोग को मतलब बैकग्राउंड मिला रहेगा, यहाँ से फोटो पे क्लिक करके और सिंपली आप लोग को ऐड करना है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। आप सभी बैकग्राउंड में ऐड कर चुका हूँ, एंड ऐड करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली इधर से डन करना है, फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसको एक बार ब्लर कर लेना है, ठीक है। एंड ब्लर करने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करके और सेचुरेशन को प्लस कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा चाहे तो हाईलाइट लो लाइट को एडजस्ट करके अपना बैकग्राउंड अच्छे तरीके से बना लेना, मैचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन मैचिंग होने के बाद आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से अपना फोटो जो है कि एक बार पहले गैलरी में सेव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना फोटो गैलरी में सेव कीजिए।
तो आप सभी देख सकते हैं बैकग्राउंड लगने के बाद मेरा फोटो जो है कि गैलरी में सेव हो चुका है, बट हमें अभी बहुत काम है तो आप लोग रुकिए एंड वीडियो देखिए अच्छे तरीके से देखिए, तभी जो कि आप लोग ट्रिक समझ में आएगा। तो यहाँ से आप लोग शेयर पर क्लिक करना है, अब आप लोग को लेकर के चलना है बैकग्राउंड वगैरह एडिट करने के लिए, आप लोग लेकर चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और इसके बाद जो ट्रिक मैं आप लोग बताने वाला हूँ ना ही कोई बताया होगा ना ही आप तक आज तक आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ देखिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्या करना है, इधर से देखिए टूल्स वाला एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और स्ट्रेच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना हेयर सही कीजिएगा। तो इस साइज को बड़ा करके और पावर को आप लोग रख लेंगे 11, ठीक है ना, एंड अपने हेयर को सही कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग हेयर को अपने सही करना है। तो देखिए अपने हेयर को मैं ऐसे ही स्ट्रेट करता हूँ एंड स्ट्रेट करने के बाद अपना हेयर मेरा सही लगने लगता है, ठीक है ना। तो जूम कर करके अगर आप लोग को जिस साइड जिधर भी आप लोग को हेयर सही नहीं लगे उधर अपने हिसाब से कर सकते हो आपका हेयर। अब मैं कैसे जानता हूँ कि आपका हेयर कैसा है, बट आप लोग का हेयर अगर टेढ़ा बकटेढ़ा होगा तो ऐसे ही सीधा हम कर लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सीधा करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से डन करेंगे, एंड डन करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को क्या करना है देखिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ये ऐड फोटो पे क्लिक करके और आप लोग को एक PNG मिलेगा, उस PNG को सिंपली आप लोग को ऐड करना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों ये जो है कि आपका जो PNG है ऐड हो चुका है, तो इसको सिंपली आप लोग क्या करेंगे ब्लेंड मोड पे क्लिक करके स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रख लेंगे। एंड यहाँ से क्या करेंगे स्टिकर पे क्लिक करके और सर्च बार पे क्लिक करके और यहाँ से आप लोग लाइट सर्च करेंगे LIGHT, ठीक है, लाइट सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग को लाइट देखने को मिलेगा, तो जो भी चाहें वो लाइट ऐड कर सकते हैं। तो हम तो ये वाला ऐड करेंगे, तो यहाँ से ब्लेंड मोड पर क्लिक करके स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों रख लेंगे और यहाँ से इसको मूव डाउन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन मूव डाउन करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों इसका जो भी ऑपेसिटी होगा ना, इसका थोड़ा सा ऑपेसिटी को कम कर देंगे, लगभग आप लोग रख लेंगे 82, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रख लीजिएगा। एंड रखने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को क्या करना है, अब आप लोग का जो भी यहाँ से काम होगा डन हो चुका है, ठीक है। तो फिर से यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सेव करेंगे, इसलिए हम सेव करना बताते हैं कि आपका फोटो का क्वालिटी बचा रहा है। तो यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सेव करेंगे, तो देखिए आप सभी मेरा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, देखिए बैकग्राउंड भी एडिट हो चुका है एंड हेयर भी मेरा एडिट हो चुका है। तो देखिए बट मेरे फोटो में क्वालिटी कम हो गया है, तो थोड़ा सा कम हुआ है तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी आ जाएगा क्वालिटी आप लोग देखते रहिए। उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से शेयर पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से रेमनी का एप्लीकेशन में ले करके आना होगा। एंड रेमनी एप्लीकेशन में जैसे ही आते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से आप लोग ऐड को कट करेंगे सिंपली, ठीक है। ऐड को कट करने के बाद यहाँ से इनहेंस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा ऐड आएगा, सिंपली ऐड को देख लेना मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों ऐड देखने के बाद कितना अंतर पड़ा है, देखिए मेरा ये पहले वाला फोटो है और जिसको इसको ड्रैग करते हैं देखिए कितना अच्छा मेरा बैकग्राउंड एंड अपना फेस भी क्वालिटी के साथ डिटेल्स के साथ शार्पनिंग के साथ मेरा फोटो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको बैकग्राउंड भी एंड आप लोग शर्ट भी मैचिंग कर गया, ऐसे ही हम लोग कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सिंपली सेव करेंगे और एक स्टेप और बच गया है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा कि स्मूथ कौन से ब्रश से हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों कि मेरा फोटो जो है कि कितना डिटेल के साथ गैलरी में सेव हुआ है रेमनी करने के बाद, ठीक है ना। तो इसके बाद आप सभी क्या करेंगे, यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में लेकर चलेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को आप लोग 10-12 रख लेंगे और शार्पनिंग को आप लोग रख लेंगे 25, ठीक है। उसके बाद डन कर देंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे सेलेक्टिव टूल को लेकर के और जहाँ जहाँ आपके फेस पर ब्लैक होगा ना वहाँ वहाँ थोड़ा सा लाइट दे करके अपना फेस को चमका लेंगे, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ब्लैक आ ही जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको थोड़ा बहुत आप लोग को चमका लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैं लाइट दे देता हूं एंड लाइट देने के बाद यहां से शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो डायरेक्टली लेकर के चलता हूं स्केच बुक एप्लीकेशन में, ठीक है। तो देखिए आप सब मेरा फोटो स्केच बुक एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे कौन सा ब्रश लेकर के अच्छे से स्मूथ करना है चलिए बताते हैं। तो यहाँ से लाइब्रेरी पे क्लिक करना है एंड लाइब्रेरी पे क्लिक करने में देखिए सिंथेटिक पेंट में आप लोगों को ये वाला ब्रश दिखेगा और सबसे हार्ड और सबसे बढ़िया ब्रश चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना, इसलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे और कुछ इतना आप लोग को सेटिंग रख लेना, ठीक है ना। बट यहाँ से फोलो को थोड़ा सा हाफ फोटो है तो फोलो को आप लोग रख लेंगे 8, ठीक है ना।
8 रख लेंगे एंड अपने फोटो को जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद अपने ब्रश के साइज को चेक करेंगे एंड अपने ब्रश को कैसे भी घुमाएंगे ना एकदम हार्ड वाला लुक दे करके आपका फोटो स्मूथ होगा। आप लोग बोलोगे कि आदित्य भाई क्या हमको ट्रिक बता दिए, तो आप लोगों को तो मैं डेली बाई डेली एक नया ट्रिक बताता हूँ, बट आप लोग बस थोड़ा सा समझ नहीं पाते हो मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी देख सकते हो कि कितना आसान से मेरा फेस स्मूथ हो रहा है एंड कितना कम टाइम लगेगा। बहुत लगेगा तो हमारे लिए 2 मिनट लगता है फेस स्मूथ करने में, ठीक है, और आप लोगों को भी 2 मिनट लगेगा बस ये वाला ट्रिक अपना है, ठीक है ना। रेमनी का यूज करने के बाद आपका फेस बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ होता है, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग को डेली बाय डेली हम लोग ट्रिक बताते हैं एंड डेली बाय डेली आप लोग यही कहीं कमेंट रहता है कि आदित्य भाई आप फोटो एडिटिंग कैसे करते हो, हमको सिखा दो, फेस स्मूथ सिखा दो। तो जो है कि आप लोगों को तो हम डेली सिखाते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग क्या कर देते हो ना, वीडियो स्किप कर देते हो, इस वजह से जो है कि आप लोग को अच्छे तरीके से फेस स्मूथ नहीं सीख पाते हो। देखिएगा हम फेस स्मूथ कर लिए और मौन मर्जी किए हैं, आप लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे ना बहुत अच्छा लुक देकर के आपका फोटो एडिट हो जाएगा। आप लोग हैंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है, और अपना फोटो अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है। एंड फेस स्मूथ अच्छे से करोगे, अपना फोटो है टाइम दे करके करोगे, ठीक है। तो आप लोग के सामने मेरा फेस स्मूथ होकर के रेडी हो चुका है एंड मेरा फोटो हूबहू बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता है। तो चलते चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।